दोस्तों फाइनली यहाँ पे लॉन्च हो गया है हुआई का नोवा 11 SE। ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी दिलचस्प इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि इसका जो पावरफुल चिपसेट है, डिस्प्ले है, कैमरा है, फ्रंट कैमरा और बैटरी भी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पर आपको कैमरे को लेकर। बैक कैमरा फोटोग्राफी के लिए फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरे का सपोर्ट है। इसे बैक पैनल पर 1.9 अपर्चर वाला 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है, जो कि 2.2 अपर्चर वाले 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2.4 अपर्चर वाले 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर के साथ ये लॉन्च हुआ है। अब वहीं पे अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो सेल्फी वीडियो कॉलिंग के लिए हुआई नोवा 11 SE में 2.45 अपर्चर वाला 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सपोर्ट करता है। वहीं अगर डिस्प्ले को लेकर बात करूं तो 2400 का पिक्सल्स का रेजोल्यूशन वाला 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट करता है। यह स्क्रीन OLED पैनल पर बनी है जो कि 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। और प्रोसेसिंग के लिए इसमें हारमनी OS 4 पर लॉन्च हुआ है, जो कि प्रोसेसिंग के लिए 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 अक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 2.4 GHz क्लॉक स्पीड वाला पर रन कर रहा है। मेमोरी चाइना में हुआई नोवा 11 SE स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 256 GB का स्टोरेज है, एक का 512 GB का स्टोरेज है। और बैटरी की पावर की बैकअप की बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी है। वहीं इस बैटरी को तेजी से चार्ज करने के लिए 66 W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। ये टेक्निक 32 मिनट में 0 से 100% तक बैटरी को चार्ज कर सकती है। अदर फीचर्स की बात करूं जैसे कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, NFC जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं। वहीं साथ ही में स्मार्टफोन में ब्लूटूथ 5.0 पर काम कर रहा है। अब यहां पे जैसे मैंने बताया कि चाइना में लॉन्च हुए हैं, जो कि कैमरे के डिपार्टमेंट में काफ़ी कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अगर पसंद आ जाए जब लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।